हेलो फ्रेंड्स, एबे हमें डिस्कशन करिया द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो इटा हला हमर पार्ट फाइव वीडियो, जोड़ा कि हमर आगड़ मु चारटा वीडियो अपलोड कर सारी। से चारटा वीडियो फास्ट देखो, तापर इटा देखले ही तुम बुझियो। सो देखिया कौन आज एल्डिहाइड एंड कीटोन देखिए। ता आगु ये एल्डिहाइड एंड कीटोन रो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े आगर मुझे गोटे जिनस कह तुम कौन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सो कार्बोनाइल कंपाउंड रो स्ट्रक्चर जाग विषय आमे डिस्कशन करिया। सो देखियो कार्बोनाइल कंपाउंड रो जनरल फॉर्मूला सी डबल बॉन्ड ओ, ए जिनसटा थाउची होना नहीं। एल्डिहाइड रे एठी आर लागी थाउची, एपडे एच लागी थाउची, कीटोन रे दी साइड जाग कोन लागी थाउची, आर गुड साइड, आर डैश गुड साइड लगी थी। सो यही पार्टा रही कौन कमन पार्ट जोड़ा आम कौ कि कार्बोनाइल ग्रुप बोली। सो जो सी डबल बॉन्ड ओ रही, ये सी डबल बॉन्ड ओ एज सेम एज दि सी डबल बॉन्ड सी इन आल्किन है। आर स्ट्रक्चरटा कौन आल्किन रे थिबा सी डबल बॉन्ड सी माने आल्किन रे दुटा कंजुकेटिव कार्बन भितर थिबा डबल बॉन्ड रे जिमिति तांकर डबल बॉन्ड थाए माने गोटे पाई बॉन्ड हला बेले गोटे सिग्मा बॉन्ड थाउचे जिमिति हला गोटे पाई बॉन्ड गोटे सिग्मा बॉन्ड जिन थाए एथि भी सिमिति कोन थाए गोटे सिग्मा बॉन्ड एंड आ गोटे पाई बॉन्ड हला। एटा कहिबार मु मीनिंग हला माने तमु सहजर केमिति बुझे देखो जिमिति आल्किन रो सी डबल बॉन्ड सी थाए से टाइप रही कोन थाए कार्बोनाइल कंपाउंड रे सी डबल बॉन्ड ओ थाए। एथि देखो मु तमु कहली एज सेम एज दि डबल बॉन्ड ऑफ आल्किन है कौन था सेम था। नेक्स्ट पॉइंट रे कौन था एठी कार्बन कौन कर दि कार्बन यूज इट्स एसपी टू hybridized orbital whereas the oxygen use its unhybridized orbitals hala bujhibala eta hala amar kon structure of the कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कौन था जो देख कार्बन रो कौन थी हम जानचे ये तो जानचे तुम्हें 120 डिग्री बोली है यहाँ कौन 2pz ऑर्बिटलटा ये 2pz ऑर्बिटल आउ ये कौन थी आमर ऑक्सीजन सहित सिग्मा बॉन्ड थी ये कौन ऑक्सीजन रो पी ऑर्बिटल है ये पी ऑर्बिटल सहित ये कौन कर पाई बॉन्ड क्रिएट कर है यहाँ आम कौन कार्बोनाइल कंपाउंड स्ट्रक्चर। सो एबे देखिए आम कौन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी रे फर्स्ट पॉइंट रोज कौन बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट रे कौन होती देखो आम बॉइलिंग पॉइंट रे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर इन व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माने आम नॉर्मल कंडीशन रे कौन हो जो टेम्परेचर रे लिक्विड रो वेपर प्रेशर टा गैस रो वेपर प्रेशर सहित सामान हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिच कर बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट रे आमर गोटे फैक्टर इफेक्ट कर बहुत वाइटल रोल कर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन हो पाए से विषय भी आम ये टी चिंता करा पड़ो। सो फास्ट है द बॉइलिंग पॉइंट इज ए सोम हाउ मैक्सिमम और सोम हाउ मच देन दि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सोम हाउ मच देन दि नॉन पोलार कंपाउंड्स मच देन नॉन पोलार कंपाउंड्स कौन नॉन पोलार कंपाउंड्स कौन हाइड्रोकार्बन है कौन इथर बा इथरटा है कौन विकली पोलार यही टाइप्र कंपाउंड मानकर
बॉइलिंग पॉइंट आल्डिहाइड और कीटोन रो बॉइलिंग पॉइंट अधिक कहीं अधिक कहीं देख एम कौन गोटे पोलार कंपाउंड जेहतु गोटे पोलार कंपाउंड से मेरे कौन अच्छे डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन अच्छी कौन डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कौन सो देख ये गोटे डायपोल डायपोल मैंने कहे कौन टू पोल्स आर सेपरेटिंग बाय ए डिस्टेंस ऑफ डी बा स्मॉल डिस्टेंस द्वारा कौन होती है सेपरेट सो ये गोटे पॉजिटिव चार्ज अच्छे ये गोटे नेगेटिव चार्ज अच्छे ये डायपोल सो ए डायपोल रो पॉजिटिव और नेगेटिव भितर गोटे कौन अच्छी गोटे अट्रैक्टिव फोर्स अच्छे है कौन अच्छे अट्रैक्टिव फोर्स सेमती आउ गोटे डायपोल थी यहाँ मन रहा नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज एम भितर भी कौन अच्छी सेम अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी बट जो यही जो गोटे पॉजिटिव आ आर नेगेटिव चार्ज आर पॉजिटिव चार्ज एम भितर कौन अच्छी गोटे वीकली गोटे जस्ट खाली गोटे रिलेसन अच्छी किसी ना से मेरे किसी अट्राक्शन ना ओनली डायपोल इंटराक्शन बुझिपाल कौन अच्छी इंटराक्शन जो इंटराक्शन जो अच्छी ताको आम कह डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन देख जदि यही पॉजिटिव आई पॉजिटिव भितर जब गोटे इंटरेक्शन होती कौन हो रिपल्सिव इंटरेक्शन बुझिपाल ये कौन अट्रैक्टिव गोटे पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर सो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन सो यही अट्रैक्टिव इंटरेक्शन लगे किसीटा फोर्स कौन हो बढ़िया सो से फोर्स को आम ओभरकम करा गला टी अधिक एनर्जी देवा पड़ो सो बॉइलिंग पॉइंट एम तुलन में हाइड्रोकार्बन एंड इथर तुलन में आल्डिहाइड और कीटोन अधिक ये फर्स्ट पॉइंट तापर लेस देन दि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल आउ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एम बॉइलिंग पॉइंट कम कहीं देख अल्कोहल गोटे कौन अल्कोहल गोटे कौन अच्छी आर बॉन्ड ओएच जो ये कौन अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पार सो आर जमी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पार सी डबल बॉन्ड ओ ओएच एटी भी गोटे कौन अच्छे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अच्छे सो एम कौन कर गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड कर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कर सहित कौन कार्बोक्सिलिक एसिडा अधिक पोलार बुझिपाल पोलार इन नेचर ता सहित सी कौन अच्छे तार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती सो सब अधिक बॉइलिंग पॉइंट कार हम कार्बोक्सिलिक एसिड्र ताठू टे कार हम अल्कोहल बुझिपार सो अर्डरटा कौन है फास्ट आस कार्बोक्सिलिक एसिड हेज मैक्सिमम बॉइलिंग देन दैट ऑफ दि अल्कोहल एंड देन अल्कोहल क्या अधिक आल्डिहाइड एंड कीटोन से अधिक नॉन पोलार कंपाउंड्स और वीकली पोलार कंपाउंड टू से बॉइलिंग पॉइंट अधिक आउ गोटे कथा मन रख येक आम डिस्कसन कले सबुजाकर मास पाखापाखि सामान रहा पड़े तुम कौन कर सब अधिक मस नहीं जाओ कम मस न बोले यार बॉइलिंग पॉइंट अधिक हम बुझिपार एमाउंट पाखापाखि सबुजा जो कंपेरेबल करुच्छे से टाइम सबुजाक एमाउंट कौन थी पड़े सामान थी पड़ो सो ये आम बॉइलिंग पॉइंट उपर डिस्कसन तापर है सॉल्युबिलिटी देखो सॉल्युबिलिटी कौन हो आमर कंपाउंड कौन आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ये कौन आम आल्डिहाइडा सो आल्डिहाइड्र एटा आल्डिहाइड ग्रुप ये आल्डिहाइड ग्रुप गोटे पार्ट ये गोटे हाइड्रोकार्बन पार्ट गोटे पार्ट सो ए दुटा पार्ट्रु कौन हुए ये जो पार्टा रही ए पार्टा है लायोफोबिक कौन लायोफोबिक लायो मीन्स लायोफोबिक मीन्स लायो मीन्स व्वाटर फोबिक मीन्स हेट है लायोफोबिक बा हाइड्रोफोबिक इन नेचर सो ये कौन करियो वाटर को हेट करियो बट एटा लायोफिलिक माने कौन करिए वाटर को लव करिए सो एम कौन है वाटर द्वारा अट्राक्ट हे वाटर रे इजिली सॉल्युबल हो जाए बट यही पार्टा कौन हम डिजल्व हेनी सो जिते कौन अच्छी ए पार्टा आप डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते पर्यटन कौन हो आल्डिहाइडा सॉल्युबल हो पर कौन हो पार्टा आप डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते कौन हम आउ सॉल्युबल हेनी सो फर एन मिथाइल सॉरी मिथाइल कौच फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड तो प्राय गैस था तुमको कह भी ये फिजिकल स्टेट्रे बट एटी देख कौन जो कौन हो गोटे चार्टा कार्बन पर्यंत फोर कार्बन आल्डिहाइड पर्यंत कौन है से सॉल्युबल है धीरे धीरे कौन हो सेवेन एट आसला बेले टोटाल डिजल्व करेनि इमिते हला देखो फोर कार्बन पर्यंत इजिली सॉल्युबल हे तापर कौन हम जस्ट मॉडरेट रेट रे सॉल्युबल हे जे 8 टू 9 पर्यंत 11 कार्बन जेतले पळे आसीबो पूरा इनसॉल्युबल हला आउ जमारु मध्ये सॉल्युबल हेबेनी सो ये सॉल्युबिलिटी तापर देखिया फिजिकल स्टेट सो फिजिकल स्टेट हला कोन देखो फर्स्ट मेंबर कोटा फॉर्मल्डिहाइड
फॉर्मल्डिहाइड इज ए गैस मन रख फर्स्ट है कौन फॉर्मल्डिहाइड इज ए गैस सेकंड मेंबर टू अप टू एट कार्बन हला सेवेन सेकंड मेंबर टू अप टू एट कार्बन आर लिक्विड्स हला हाँ सेकेंड मेम्बर जो एट कार्बन है लिक्विड है आ गोटे कथा मन रख जो सेकेंड कार्बन रो डेंसिटी बहुत कम था बट एट कार्बन रो डेंसिटी बहुत अधिक हो जाए तापर नाइन कार्बन गला बेले सी कौन वैक्स लाइक सॉलिड महमलिया हो मैंने देख जिते कार्बन संख्या बढ़ो तार डेनसीटी से बढ़ो है नंबर अफ डेनसीटी जो डेनसीटी जो इनक्रीज कला तार कौन ग्राजुआली कौन हम सी गैस टू लिक्विड लिक्विड टू सॉलिड ए टाइप रो तापर हम गोटे पॉइंट मन रखे 40% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मालिन हला 40% एक्वा सॉल्यूशन रो फॉर्मल्डिहाइड को हम कौन कहचे फॉर्मालिन बोली मध्य कहचे तापर असला स्मेल सो स्मेल कौन कहचे स्मेल हला लोअर मेंबर्स जितकी सब आल्डिहाइड होते हैं स्मेलटा रोज पंजेट पंजेट स्मेल है पंजेट गोटे डिसलाइक अर्डर रहा अर्डर ODOUR अर्डर मीनस स्मेल सो पंजेट स्मेल भल रत आम कौन हम ग्राजुआली कार्बन संख्या बढ़ी बढ़ी जीव से पंजेट स्मेलटा कौन हम कमिजी सो लोअर मेम्बरटा कौन हम पंजेट स्मेल एंड द स्मेल बिकम्स डिक्रीज द स्मेल बिकम्स डिक्रीज बाय इनक्रीजिंग दि नंबर अफ कार्बन्स सो ये आम फिजिकल प्रॉपर्टी।